अगर फास्ट ट्रैक कोर्टों ने इनको फांसी पर नहीं चढ़ाया तो मेरे प्रदेश और मेरे देश का युवा और हम सब लोग मिलकर इनको बीच चौराहे पर फांसी पर चढ़ाएंगे, चाहे अंजाम कुछ भी हो, हम भुगतने के लिए तैयार। जो छोटी बच्चों के साथ दुष्कर्म किया है इनको हम फांसी पर चढ़वाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति के नाम, ताकि कल को राष्ट्रपति जी को ध्यान रहे कि ये वही दरिंदा है जिनके नाम ज्ञापन दिए थे, वरना क्या होता है सेशन कोर्ट तो फांसी देती है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति से उनको रिलीफ मिल जाता है और वो 10-10 साल 15-15 साल से जेलों में आराम करते रहते हैं, छूट जाते हैं और लोगों का मनोबल। राष्ट्रीय करनी सेना के नेतृत्व में सर्व समाज के लोग राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में जो ये घटनाएं हो रही है, ये दरिंदों की इंसानियत, जो माँ बेटी और यहाँ तक कि मासूमत बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे, उनको रोकने के लिए उसका मुख्य कारण मैं आपको बताता हूँ, उसका मुख्य कारण है डर। वो डर उन पैदा करना है, और डर कब पैदा होगा, जब लॉ एंड ऑर्डर ऐसा जारी होगा जिसमें तुरंत फांसी की सजा होगी, या ऐसा कोई काम होगा जो आदमी काम करना तो दूर सोचने के लिए भी मजबूर हो जाए। तो मेरा यही निवेदन है लोगों से, आम मीडिया के माध्यम से, आम जनता के लोगों से, कि जिस तरह महाभारत में 5000 वर्ष पूर्व कृष्ण भगवान ने द्रौपदी की इज्जत बचाई थी, तो आज हम सबको सड़कों पर उतरना है, घरों से बाहर निकाल के, कृष्ण भगवान नहीं आएंगे, हमको कृष्ण बनना है। पैसे के दम पर और वकीलों के साथ, वकीलों को साथ लेकर पैरवी कराकर जो लोग जेलों से छूट जाते हैं, इसी के क्रम में आज कोटा अभिभाषक परिषद के लोगों ने, मैंने ये सामूहिक फैसला किया है कि इस प्रकार के किसी भी दुष्कर्मी की कोई हमारा वकील साथी पैरवी नहीं करेगा, और हर सक प्रयास ये होंगे कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में ऐसे लोगों को फांसी की सजा सुनाई जाए। इसके लिए कोटा का वकील, पूरे राजस्थान का वकील एकजुट है, मेरी राजस्थान के सभी अध्यक्षों से बात हुई है, सबने सामूहिक फैसला लिया है, और जयपुर की घोषणा कल हो गई थी, बाकी जितनी भी जिला बारे उन सबकी घोषणा आज हो जाएगी। ऐसे दुष्कर्मियों की हम पैरवी नहीं करेंगे और बरसक प्रयास करेंगे कि इनको फांसी की सजा दी जाए। एक अधिवक्ता होने के नाते कौन सा ऐसा नियम बन जाना चाहिए जो समाज और संविधान दोनों के लिए बेटर हो? समाज और संविधान दोनों के लिए बेटर तब होगा, पुलिस जनता और प्रशासन के बीच का सेतु है, पुलिस को फ्री हैंड छोड़ना चाहिए, ऐसे मामलों में पोस्ट को एक पूरे देश भर के सभी जिलों में खोलनी चाहिए, और स्पेशल पुलिस सेल की व्यवस्था नाबालिग बच्चियों के लिए, ऐसी व्यवस्था भारत सरकार को करनी चाहिए जिससे कि उन नाबालिग बच्चियों का बचाव हो सके और दरिंदों को। लेकिन हमारा कानून कुछ नेताओं के, कुछ अधिकारियों के, कुछ लोगों का चंगुल बन कर रह गया है, तो मैं हिंदुस्तान की सरकार से, राजस्थान की सरकार से मांग करना चाहूँगा कि नाबालिग बालिकाओं के दुष्कर्म को लेकर एक ऐसा कानून पारित करे कि कोई कोर्ट नहीं, कोई तारीख नहीं, कोई चालान नहीं, जैसे ही SHO साहब पकड़े उसी दिन उसी थाने में उसको फांसी होना चाहिए। जय हिंद। मुख्य उद्देश्य ये है कि चार दरिंदे, चाहे वो बाड़मेर का रईस हो, चाहे मंदसौर का इरफान हो, या चाहे जयपुर का पवन हो, या सतना का महेंद्र हो, सबको तुरंत प्रभाव पर फांसी पे चढ़ाया जाए। फांसी का मतलब सिर्फ फांसी होना चाहिए, यूँ नहीं है कि सेशन कोर्ट ने फांसी दे दी और हाई कोर्ट से इनको रिलीफ मिल गया, सुप्रीम कोर्ट से इनको रिलीफ मिल गया, राष्ट्रपति को इनके यहाँ माफी मिल गई। अंकुर पाड़े अनूप पाड़े की तरह नहीं, कसाब की तरह फांसी की मांग करते हैं हम, इनको फांसी पर चढ़ाया जाए तुरंत प्रभाव से, चाहे मामला आसिफा का हो या दिव्या का हो, सब हमारी बेटियां हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, 6 महीने के अंदर अगर फास्ट ट्रैक कोर्टों ने इनको फांसी पर नहीं चढ़ाया तो मेरे प्रदेश और मेरे देश का युवा और हम सब लोग मिलकर इनको बीच चौराहे पर फांसी पर चढ़ाएंगे, चाहे अंजाम कुछ भी हो, हम भुगतने के लिए तैयार हैं। साथ ही मैं धिक्कारता हूँ ऐसे नेताओं को, 24 घंटे हो गए जयपुर वाली वारदात को, किसी एक भी कांग्रेस के बड़े नेता और एक भी बीजेपी के बड़े नेता का अभी तक कोई बयान जारी नहीं हुआ है उस 3 साल की बालिका के साथ दुष्कर्म को लेकर। क्या ये इतनी सी जिम्मेदारी बनती है नेताओं की, जिनके ऊपर देश की जनता और प्रदेश की जनता ने जिनको नेतृत्व सौंप रखा है, जो एक बालिका के लिए सिर्फ इतना सा नहीं बोल सकते कि चुनावी साल है उनका वोट बैंक खराब हो जाएगा। ये गलत फहमी है इन नेताओं की कि उनका वोट बैंक खराब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो सभी समाज के लोग हैं, इन लोगों के द्वारा ऐसी हरकत करने वाले दरिंदों को समाज से भी बहिष्कार किया जाता है,
ये किसी भी समाज के नहीं है, ये तो इंसान ही नहीं है, तो समाज का होना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए मैं यही निवेदन करूंगा यहाँ आए हुए सब भाइयों से और इस मीडिया के माध्यम से भी कि जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में इन लोगों को फांसी पर चढ़ा। अब के कोई भी कांड होगा बर्दाश्त, कोटा की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर प्रशासन नहीं संभलेगा तो फरे चौराहे पे पूरी जनता फांसी देगी। जय हिंद, जय भारत।